ख्वातीनो हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। आज का व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम हुआ जाता है, तवज्जो फरमाएं, वीडियो को पूरा देखें। बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। ब्यूटीफुल मीन, लेट मी एक्सप्लेन। मौसम ज़बरदस्त है, ठंडी हवा चल रही है और आज का ब्लॉग यहीं से हम करेंगे स्टार्ट। यार बैकग्राउंड पे शोर बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक ब्लॉग बनाया, कल मैंने अपलोड किया उसको, तो वो मैंने एक सेलिब्रिटी है, इरफान जुनेजो, एक ब्रांड है, एक स्वैग है और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, तो उनकी वीडियोस में देखता हूँ, उनके व्लॉग में देखता हूँ। कराची से हैं, मलेरकंड से, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। आज जो हम बात करेंगे वो दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक इंस्पायरेशन और दूसरा इक्विपमेंट्स। इंस्पायरेशन का लफ्जी मायने जो है वो हौसला अफजाई का है। मेरे बताने का मतलब ये है कि मैंने 15 दिन पहले यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, 13, और 14वीं जो वीडियो है वो मैं अभी बना रहा हूँ और ये भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो मैं व्लॉग क्रिएट करता हूँ, मैं इंस्पायर हुआ हूँ इरफान जुनेजो से और दूसरे नंबर पर ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन का मैंने फ़र्स्ट व्लॉग देखा तो मैंने कहा यार जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी मोबाइल फ़ोन है और उस वक्त के हिसाब से अब जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है ये बहुत अच्छा है। उन्होंने तो मेरे ख्याल से किसी सैमसंग का मोबाइल या कोई छोटा मोबाइल था उससे वीडियो स्टार्ट की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं ज़ैन भाई को भी, और इरफान भाई ने 7 प्लस से स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई को भी आप जानते होंगे, इरफान जुनेजो यूट्यूब पर सर्च करके चेक कर सकते हैं, ब्रांड हैं। तो बताने का मतलब यह है इंस्पायरेशन आप हासिल करें, आप किसी भी तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, आपका दिल करता है, आप सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, उनसे सीखा करें, उनसे सीख के आप यूट्यूब चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करें और आप अच्छे खासे यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। आप 15-20 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंस्पायरेशन चाहिए होंगी, वो आपको हासिल करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए आपको लंबी चौड़ी कोई चीज़ नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ़ एक अच्छे कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसमें वीडियो की स्टेबलाइजेशन अच्छी हो, वीडियो की साउंड क्वालिटी अच्छी हो और आप लोगों को थोड़ी बहुत एडिटिंग आती हो, तो आप डन है, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। मेरे पास iPhone 8 Plus है, मेरा सारा काम इसी से हो जाता है, बाकी भी अल्लाह पाक का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ट्राईपोड है, माइक है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त जो है वो 8 प्लस सब कुछ है। 8 प्लस की साउंड क्वालिटी, 8 प्लस का कैमरा, उसके बाद मेरे पास हाल ही में अभी दोस्त आए हुए थे दुबई से, तो उनसे मैंने सेल्फी स्टिक ले ली खुद ही, मतलब मैंने उनको कहा कि यार इस तरह की सेल्फी स्टिक मुझे भी ला के देना, लेकिन उन्होंने वही मुझे कहा कि आप रख लें, तो उनको ज़रूरत नहीं है, या वल्ला आलम वो और ले लेंगे। तो उन्होंने वो मुझे दे दी सेल्फी स्टिक। मतलब ये है इंस्पायरेशन का कि अभी मैंने व्लॉग जो अपलोड किया है उसके ऊपर कोई तनकीद ना करे। तनकीद का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा उस पर तनकीद करेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं व्लॉग बनाऊंगा जैसे मेरा दिल करेगा मैं व्लॉग बनाऊंगा, आप लोगों को पसंद आएगा तो आप अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं आता तो डिसलाइक का बटन है उसे दबा दें, बात ख़त्म। मैं लगा रहूँगा, मतलब बताने का यह है कि मेरे मोबाइल का कैमरा भी अच्छा है, माइक भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ और ये होती है इंस्पायरेशन, क्योंकि उसकी वीडियो से मुझे हौसला अफजाई हुई है, मैं ब्लॉग शूट करने लगा हूँ प्रॉपर, तो बेस्ट ऑफ लक। आज की रूटीन मेरी इतनी ख़ास नहीं होने वाली क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो लाहौर गए हैं,
अदालत में, और पीछे हमारी एक बेकरी की शॉप है, वहाँ पे छोटा भाई बैठा है, तो वो अकेला पूरा दिन नहीं ड्यूटी दे सकता वहाँ पे, आज मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। Thanks sir for watching.